नाम क्या आपका? मेरा नाम उमेर मुगल है। उमेर, तैयार हो? ओके। जलने के लिए, जलाने के लिए क्या रखा है तुमने जजेस के लिए? जजेस के लिए मैंने टपोरी स्टाइल रखा। टपोरी स्टाइल, वो कैसे? पान मुंह में डाल कर गाने गाओगे कैसे? नहीं, लड़की को प्रपोज करने वाला उसके, यानी बातें करना उसको। तो मतलब हर बंदा जो प्रपोज करता है वो टपोरी होता है? हाँ, मैं थोड़ा हटके कर रहा हूँ। कैसे हो उमर? अल्लाह का शुक्र है सर। आप एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप वाइब देते हैं। मैं बेसिकली सिंगर ही हूँ। अच्छा, ये सिंगर है? बहुत कमाल के सिंगर हैं ये। हमारे गेम शो में कंटेस्टेंट भी हैं। ये बहुत मशहूर टिकटॉकर भी हैं। क्या बात है। और इनके गाने भी रिलीज हो चुके हैं और ये मेरे शो पे भी आ चुके हैं। वेरी वेरी नाइस। गेम शो में था, फिर वहाँ पे मेरे को नई चीज़ मिली, पाकिस्तान स्टार रैपर। तो मेरे पास एक चांस नहीं था कि मैं रैपिंग अपनी किसको सुनाऊँ। यहाँ पे मुझे एक चांस मिला, वहाँ गया मैंने, ऑडिशन दिया और जजेस के सामने, और जजेस को बहुत पसंद आया तो वहाँ मैं सेलेक्ट हुआ। एक खुशी हुई। तेरे लट्ठे दी चादर पे मेरा दिल कुर्बान था, तू भी मुझे चाहती ये मेरा अरमान था, पर तूने दिल तोड़ा, तूने मुंह मोड़ा। और मैंने लाइफ के अच्छा खासा टाइम लगाया, 17 साल लगाए अपनी लाइफ के, और बहुत जगह गया। ऐसे ऐसे ऑडिशन भी दिए जहाँ मैं खाली माइक पकड़े खड़ा रहता था और पीछे से आवाज़ आती थी आपको कॉल कर देंगे, तो वो कॉल अभी तक आ ही रही है मुझे। रैप में सर सुनता था, बस अपने सॉन्ग बनाने लगा तो उसमें बीच में ऐड करने लगा रैप, और खुद लिखने लगा, खुद गाने लगा। तो किसको सुनते थे सर? बोहेमिया सर। बोहेमिया, अपना रफ्तार सर। रफ्तार एंड बोहेमिया, ओके। और वैसे क्या करते हैं आप, इसके अलावा कुछ करते हैं? सर जॉब कर रहा था, मैं शादीशुदा हूं, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, हाउ ओल्ड आर यू सर? 34। हां, 34। व्हाट आर यू सीरियस? 27 तक का तो मुझे वो था। हां, मुझे 27 तक है। अच्छा, ही लुक्स लाइक 22-24 ऑनेस्टली। मैं, मुझे नहीं लगा 27 भी, तो यू आर 34। मैं जो बात होती है सच बोलता हूं। क्या बात है, वेरी नाइस। क्यों से कोली मारे छोरी, हाथ में झाड़ू और हथौड़ी, बिन पदोड़ी नाता जोड़ी, नखरे वखरे कम कर छोरी, उमेर के साथ चल तू अंदर, तुझको दिखाता हूँ खंड, सास समुंदर गोभी मंद। बोल मेरी बच्ची तुझे क्या चाहिए, अब आया है पैसा तो भी ही तू लौट के आई, जब तक मेरी जेब दिखा ली, फोनों पे तू देती थी गाली, रोज मुझे देती थी तू ताने, कहीं ले जाता नहीं घुमाने खुद को, समझती फंटर मुझको, समझती किंजर झील पे ले जाऊंगा, कश्ती में घुमाऊंगा, इतना पागल कर दिया है पानी में, बताऊं तुझे प्यार करूंगा, तेरे साथ चलूंगा, एक बार नहीं प्यार, 100 बार करूं यार, बस नखरे ना दिखा। 1-2 डस डस, अखियों से गोली डस डस, और मारे छोरी डस डस, और बावा बावा डस डस, अखियों से गोली और मारे छोरी। क्या बात है यार, बहुत बहुत आला। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस सर नो जैन? उमेर बहुत टैलेंटेड हो तुम, सही है, और तुम खुद भी बहुत अच्छा गाते हो, अपने गाने भी रिलीज करते हो, और तुम एंटरटेनर बहुत अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो। तो मैं चाहूँगा तुम हर शो में आ जाओ हमारे, तुम हर जगह, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत हम्बल और बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन इस शो के लिए जो मुझे, जिस स्टार रैपर की तलाश है ना, उस कैटेगरी में मुझे लगता है कि वहां फिट नहीं होगा तुम, क्योंकि सिंगर हो, हमें रैपर प्रॉपर चाहिए। सो आई थिंक इसको भी घर जाना होगा मेरी तरफ से। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग भी बहुत है, पर मुझे आपके रैप ने ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। वैसे बहुत, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और इसमें मैं, क्योंकि मैं खुद सिंगर नहीं हूँ, आपकी आवाज में अच्छी लिसनर हूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, पर रैपिंग के लिए आई जस्ट फील नो। यू गॉट टू नोज, दो आपको नो हो गए। I could easily say no, but I don't want to say that. मैं no नहीं कहना चाहता तुमको। तुम्हारा swag बहुत अच्छा लगा, तुम खुद बहुत अच्छे लगे हो। But I agree with these people. I think थोड़ी मेहनत की जरूरत है। Thank you sir.